हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। चलिए, आज हमारे वर्कशॉप में होंडा की एक्टिवा 6G मॉडल की गाड़ी, जो कि BS6 मॉडल है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली हमारे वर्कशॉप में गाड़ी आई हुई मात्र 699 किलोमीटर गाड़ी चली है, और ये गाड़ी मिसिंग बहुत कर रही है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है, और गाड़ी बैठ बहुत रही है थ्रोटल लेने के बाद। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं, ये सेल बटन दबाया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही गाड़ी, थ्रोटल ही नहीं रिस्पॉन्स दे रहा इसका, और मात्र 699 किलोमीटर चली है। चाबी बंद किया, चाबी ऑन की, ये स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जाती है बट गाड़ी में रेस नहीं पकड़ती है। चलिए, अब मैं इसकी बॉडी कवर खोल के चेक करता हूँ एक्चुअल में गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने गाड़ी का बॉडी कवर खोल दिया है। चलिए, अब मैं सबसे पहले गाड़ी मिसिंग हमारी कर रही, सबसे पहले हमें इस गाड़ी में पेट्रोल चेक करना है, पेट्रोल आ रहा है और गाड़ी में स्पार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारी गाड़ी का फ्यूल पाइप है। चलिए, मैं इसको निकाल के चाबी ऑन करके देखता हूँ गाड़ी में हमारा फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैंने इसका कपलर निकाल लिया, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल आ रहा है। चलिए, अब मैं चेक करता हूँ गाड़ी में स्पार्क प्लग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी गाड़ी में स्पार्क भी आ रहा है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी गाड़ी में फ्यूल भी आ रहा है और स्पार्क भी आ रहा, बट फिर भी गाड़ी हमारी मिसिंग कर रही है। काफ़ी गाड़ी में इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। चलिए, अब मैं सबसे पहले सेंसर की मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे इसका ECU लगा हुआ है। अब हमें सबसे पहले गाड़ी में चेक करना है गाड़ी के मीटर में कोई MIL तो नहीं है। फ्रेंड्स, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि BS6 गाड़ियों में आपको अंदाजे से काम नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना। स्टेप बाय स्टेप आप गाड़ी को कहीं बनाएंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, प्लस कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब मैं इस गाड़ी के मीटर पे चेक करता हूँ DLC कपड़ा लगा के कि कोई MIL तो नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस गाड़ी की अब चाबी खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की लाइट जल के बुझ गई, इसका मतलब गाड़ी में हमारे कोई MIL अभी नहीं बता रहा, फ़िलहाल चाबी ऑन करने के बाद में। जब मैं इसके अंदर DLC कपलर लगाऊंगा तब एक्चुअल में पता चलेगा कि इसमें MIL लाइट पहले से मौजूद है कि नहीं। फ़िलहाल अभी तो हमारी गाड़ी सही बता रही, लाइट जल के बुझ जा रही है। चलिए, अब मैं इस गाड़ी के अंदर DLC कपलर लगा के चेक करता हूँ। स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें DLC कपलर लगाना होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी मीटर के ऊपर जो MIL लाइट जलती है वो देर तक जले उसको 10 गिनते हैं, और जल्दी बंद जल के बुझ जाए उसको 1 गिनेंगे। चलिए, अब मैं इसको चेक करता हूँ गाड़ी के अंदर कोई सेंसर में प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स, हमें इसमें MIL लाइट जो जलती है कम से कम उसको 2 से 3 बार गिनना है। चलिए फ्रेंड, मैं आप गाड़ी की चाबी खोलते हैं। फ्रेंड, जल के बुझ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 सेंसर हो गए फ्रेंड्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 8, 9, 10, 12, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
अस्सी नब्बे इक्यानवे बानबे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सात। फ्रेंड जैसा कि आपने देखा हमारी गाड़ी में पाँच छः तरह के सेंसर का कोड बता रही है। हमने दोबारा भी गिना सेम वही रिपीट सेंसर बता रही है। चलिए अब हम सबसे पहले इसका ईसीयू अपडेट करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया यहाँ पे ईसीयू लगा हुआ गाड़ी में। इसको चलिए मैं सबसे पहले चेक करता हूँ ये कोड किस किस चीज़ के बता रही है। फ्रेंड्स ये हमारे हाथ में एक्टिवा 6G की शॉप मैनुअल है जो कि कंपनी ऑथराइज करती है। चलिए अब इसकी मदद से मैं चेक करता हूँ गाड़ी में क्या क्या कोड बता रही है। हमें गाड़ी में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो हमें इलेक्ट्रिकल चार नंबर पे। चलिए अब मैं चार नंबर पेज खोल के चेक करता हूँ। फ्रेंड्स उसमें सबसे पहले एक कोड बता रही थी, एक मैप सेंसर का कोड बता रही थी, फिर उसके बाद में वो सात कोड बता रही थी, EOT सेंसर माल फंक्शन बता रही थी, फिर उसके बाद में आठ कोड बता रही थी, TPS सेंसर बता रही थी, फिर उसके बाद में नौ कोड बता रही थी, IAT सेंसर बता रही थी, फिर उसने बताया 91 इग्निशन कॉइल प्राइमरी सर्किट दिखा बता रहा था। चलिए अब मैं इसका सबसे पहले ईसीयू अपडेट करते हैं। फ्रेंड्स इसका ईसीयू दो तरह से अपडेट होता है, एक तो लैपटॉप से होता है और दूसरा इसका ईसीयू अपडेट होता है एक जो DLC कपलर मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है लैपटॉप और सिस्टम में काफ़ी खर्चा आता है, काम वही दोनों का सेम होता है, इसीलिए मैं इसका ईसीयू अपडेट DLC कपलर के थ्रू करता हूँ और उसके बाद में चेक करता हूँ कि गाड़ी हमारी सही हुई कि नहीं सही हुई। फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाबी ऑन करने के बाद में वही रिपीट कोड बता रही। चलिए मैं इसका DLC कपलर निकाल के 5 सेकेंड के अंदर दोबारा लगाता हूँ। ये मैंने निकाला और लगाया, फिर उसके बाद में देखिए इसकी लाइट जलना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गए। अब हमें चाबी बंद करना है, DLC कपलर को निकालना है, चाबी ऑन किया जल के बुझ गई। लेकिन इसके पहले क्या था, इसके माइंड में स्टोर्ड थे कोड। चाबी ऑन करने के बाद में MIL जल के बुझ जाती थी पहले भी और अब भी, लेकिन मैंने इसका अब डाटा इरेज कर दिया है। चलिए अब मैं चेक करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी की एक्चुअल प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं। ये मैंने स्टार्ट किया गाड़ी को, ये देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी की हमारी समस्या सॉल्व हो गई है। देखिए मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ, अब बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दे रही है गाड़ी। फ्रेंड्स ये मैंने चाबी बंद की, ये स्टार्ट की, गाड़ी हमारी बिल्कुल सही हो गई। फ्रेंड्स इस गाड़ी में ईसीयू अपडेट होने वाला था, एक्चुअली इसके माइंड में 7-8 तरह के सेंसर स्टोर्ड थे जिसकी वजह से ये गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी, मिसिंग कर रही थी, प्लस थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी। जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक करके आपको दिखाया, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल गाड़ी हमारी सही हो गई है। इसीलिए मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम पकड़ने के बाद ही उसको सही करें, अंदाजे से BSC गाड़ियों में ना बनाएं। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए।